और यहाँ पर आरडो ब्लू एफ और इंडिया रेलवे की टीम टॉस होता हुआ, यहाँ पर सुनील टॉस पे आए हैं, कैप्टन हैं और सुनील ने टॉस जीता और चॉइस कोट है। सुनील ने टॉस जीतकर चॉइस कोट लिए हैं। बहुत ही तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, पूर्व कबड्डी के काफ़ी माने जाने खिलाड़ी हैं। सुनील और परवेश की जोड़ी चलती है और अब मैच कुछ ही क्षणों में स्टार्ट हो। जी जरूर मैम, जरूर मैम, जरूर जरूर, जी जरूर मैम। बिहार से है, गया से मैं सब जगह जाते हैं, इसी लिए आए। और विक्रांत फिर से रेड पर चले हैं, सुपर टैकल ऑन है विक्रांत के लिए और ये बहुत ही तगड़ा जंप आउट कर दिए हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जंप लगाया उन्होंने। फिर से रेड पर चले, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर प्रवेश के द्वारा देखा गया। हमने कहा था कि ये बहुत ही बढ़िया जोड़ी है सुनील और प्रवेश की। और फिर से रेड पर चले हैं आर्मी, बोनस का प्रयास है और काफी सुंदर डिसीजन यहाँ पे दिया गया बोनस। और 12 नंबर के जैसे में रेडर चले हैं, गुड डिसीजन फिर से विक्रांत रेड पर। अगली बार इन्होंने जंप लगाया था कर दिया, बहुत ही सुंदर यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने सेल टैकल आया। खिलाड़ी रेड करता हूँ, 5 का डिफेंस है
और अब फिर से विक्रांत रेड, तो मीत रेड पर चले हैं। चार घड़ी फेस हो गया है, क्या ये टच है, लगता शायद ये टच है क्या, और वही डिसीजन हुआ जो मैंने अभी कहा। नितिन रेड पर आए हैं दो नंबर पर, जर्सी में नितिन, टाइम आउट लिए हैं अरविंद पांडे जी, इंडियन रेलवे के कोच हैं, और इधर RWF के कोच साहब उन्हें कोचिंग देता हुए, और फिर से टाइम आउट के बाद मैच स्टार्ट होता हुआ। सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, सारे डिफेंडर हैं। और अभी भी सुपर टैकल जारी है, डायरेक्ट आ गया नितिन के लिए, मोटर की आवाज भी दे दिया। कौन है इसका प्रयास है उनका, बहुत बढ़िया यहाँ पर डाइव लगाया, दोनों पैर पे गए हैं, बहुत तगड़ा डाइव मारे हैं, और अभी सुपर टैकल ऑन है, डू आ डायरेक्ट आ गया है सुनील और परवेश, और इस बार छह नंबर के जैसी सफर रहे, और सुनील आए हैं 11 नंबर के जैसी में रेड करने, बोनस का प्रयास इन्होंने भी किया है। कैच कर लिए गए क्योंकि ये डिफेंडर है, बहुत ही खतरनाक डिफेंडर है, राइट कवर खेलते हैं, छह नंबर के ही लीडर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, हालांकि हाई बिगिन काफी अच्छी है। रेफरी भी काफी बारीकी तरीके से पॉइंट दे रहे हैं, देख के किस चीज को देखना पड़ता है,
सर जोड़ी सुनील और प्रवेश, नितिन भी काफी खतरनाक डिफेंडर है। टाइम आउट अरविंद पांडे जी की तरफ से, उनकी टीम है एनआर रेलवे और इधर आरडब्ल्यूएफ टीम बहुत ही बढ़िया खेल रही है, हालांकि दोनों ही टीमें और एनआर रेलवे का दोनों ही पहला आपका ये टाइम आउट चला गया है। और फिर से विक्रांत रेड पर आए हैं, दोनों ही तरफ से रेड लगाते हैं, इस बार स्टेप कर दिया दो नंबर के व्यक्ति का खिलाड़ी, पॉइंट विक्रांत को मिला है। डायरेक्ट आ गया है उधर पर बेस, बहुत ही बढ़िया तगड़ा मोहित का यहाँ पर टैकल, मोहित भी सिंगल डस्टर में बहुत ही अच्छा खेले थे मोहित। विक्रांत रेड पर चले, दोनों ही तरफ रेड लगाते हैं, ठीक लगाया उन्होंने, रनिंग ठीक लगाया था उन्होंने। डिफेंस है उनका और इस बार भी सफल रहे विक्रांत, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं विक्रांत अपने टीम के लिए एनआर रेलवे के लिए। इसके बाद यहां पर टूर्नामेंट के बाद इंडियन रेलवे का टीम गठन होगा, ऑल इंडिया इंटर रेलवे कबड्डी टूर्नामेंट पहला दिन है। उससे विक्रांत रेड पर चार का डिफेंस है उनका, और इस बार फिर गलती कर दी है, दुआ डायरेक्ट आ गया है और उधर सुनील, क्या बोनस उठाएंगे सुनील, बहुत ही तगड़ा है डिफेंस चला, बहुत ही बढ़िया डिफेंस डायरेक्ट है और इधर सुपर टैकल ऑन है, दो का डिफेंस है विक्रांत रेड पर, हाफ टाइम इसके साथ हाफ टाइम होता हुआ, बहुत ही बढ़िया टीम है एनआर और आरडब्ल्यूएफ का भी बहुत ही बढ़िया है। इसी के साथ हाफ टाइम के बाद मैच चालू होता हुआ और ऑल आउट कर दिए फिर से, अकेला खिलाड़ी बच गए थे। अब यहाँ पर 27 और 14 का स्कोर है, 6 नंबर के जर्सी में रेडर फिर से चले हैं, लंबी हाइट इनकी, इस बार नितिन को टच लगा दिया है और नए रेड पर चले हैं 77 नंबर की जर्सी में। तगड़ा
बढ़िया डांस उन्होंने किया। और अब पांच का डिफेंस है एनआर का, इस टीम में हाल दो दिग्गज हमारे एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट के खिलाड़ी हैं, हमारे भारत के लिए खेलते हैं और अभी एनआर रेलवे के लिए खेल रहे हैं। और अब चले हैं रोहित गुड़िया रेड पर, और 27 का स्कोर है, स्कोरिंग बोर्ड लगा दिया गया है। और फिर से आरडब्ल्यू के खिलाड़ी, पांच का डिफेंस है, विक्रांत रेड पर चले हैं। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है विक्रांत, बहुत ही सुंदर जंप लगाए थे उन्होंने। और टू आर डाई रेड आ गया है इनके लिए, थर्ड रेड है, पांच का डिफरेंस है, बोनस तो है नहीं। सुनील राइट कॉर्नर पे परवेश पांच का डिफेंस में है, क्या इस बार टच लगाया उन्होंने, बहुत बढ़िया टच लगाया रोहित गुड़िया। इधर भी डुआ डायरेक्ट आ गया है विक्रांत के लिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से रेफरी गौर करके एक एक चीज को देख रहा है, कहीं छूट न जाए। और ये गलती चार नंबर के जब के द्वारा ये गलती हुआ, और पांच का डिफेंस है, बहुत ही सुंदर मोहित का रनिंग बैक यहाँ पे किए और नैन रेड पर चले हैं, पांच का उधर भी डिफेंस है, बोनस तो है नहीं। कट ऑन द लाइन उनको दिया गया डिसीजन, पांच का डिफेंस विक्रांत रेड का। और इस बार बहुत ही बढ़िया उन्होंने टच लगाया सात नंबर के जैसे में रेड रहा है। खिलाड़ी के द्वारा इधर में अरविंद पांडे कोच हैं,
एनआर रेलवे का कुछ कोचिंग देते हैं वर्मी टीम को। बहुत ही बढ़िया कोच है अरविंद पांडे जी, उनका काफ़ी नाम सुनते हैं हम। इधर भी डुआ डायरेक्ट आ गया है टाइम आउट के बाद। मोहित गलती कर दी, हालांकि डू आर डाई रेड था। फिर से विक्रांत रेड पर चले हैं। एंड 9 को आउट दिया गया है। कमेंट करके बताएं कि कितना पॉइंट है। रेफरी बहुत ही बढ़िया डिसीजन दे रहे हैं हमारे हिसाब से। फिर से वही छोड़ खिलाड़ी, बहुत बढ़िया खेल रहे खिलाड़ी अपने टीम के लिए। अरे इस बार फिर से गुलिया को टो टच कर दिया है। डिफेंस होगा 19-32 का स्कोर है, हालांकि लीड अभी भी बरकरार है एनआर रेलवे का। दो पॉइंट है, ओनली 1 पॉइंट बना है। कमेंट करके आप बताएं कि कितने पॉइंट है। फिर से रटर चले हैं। इस बार ऑटो बाउंड हो गए हैं रटर। मोहित ने बहुत ही बढ़िया अपना एक स्किल दिखाया और सुपर टेकल ऑन है विक्रांत के लिए। टू प्लस टू फोर, ओनली 1 पॉइंट, साइड टच लगा नहीं होगा। खिलाड़ी बच गया है। 35-20 का स्कोर है और ऑल आउट 38-20 का स्कोर है, अभी भी बरकरार है उनका स्कोर। इस बार बहुत बढ़िया बोनस का प्रयास किए थे लेकिन शायद कर नहीं था। और अब 9 रेड पर सामने 12 नंबर के जर्सी का खिलाड़ी। अरे मोहित इस बार थोड़ी सी गलती कर दी है। 38-21 स्कोर। Thank you.
चैन ब्लॉक मार दे। बहुत ही तगड़ा जोड़ी चलता है सुनील और परवेश प्रो कबड्डी में। पांच का डिफेंस है लगातार अपग्रेड कर रहे हैं टीम के लिए। पांच का डिफेंस है क्या इस बार, दो पॉइंट है। बहुत ही सुंदर डिसीजन यहाँ पर। इक्कीस और 42 का स्कोर है, दुगनी पॉइंट की बढ़त है। बोनस का प्रयास से विक्रांत रेड पर। सुपर टेकल ऑल है। चार का डिफेंस है, 9 रेड पर। अगली बार इन्होंने दो पॉइंट लेकर गए थे। बहुत ही तगड़ा पॉइंट है उनके लिए। टेक्नोलॉजी भी ऑन है विक्रांत रेड पर। बाईस और 43 का स्कोर है, काफी बढ़त है एनआर रेलवे की। बोनस का प्रयास, अंतिम 5 मिनट इस खेल का बचा हुआ है और बढ़त काफी है एनआर के। सुपर टेकल ऑन है 9 रेड पर। दूसरा डायरेक्ट आ गया फिर से। हमने प्रवेश को तो देखा चैन मारते और इस बार मोहित को इन्होंने टच कर दिया।
उधर भी डू और डाई रेट, 4 का डिफरेंस है। अंतिम 4 मिनट का एक खेल बचता बच रहा है और 5 का डिफरेंस इधर। परवेश लेफ्ट कॉर्नर पे है, नफीस राइट कॉर्नर। RW 24-43 का स्कोर है। टाइम आउट के बाद मैच चालू होगा। इमरान फिर से रेड पर है। पांच का डिफेंस है। अंतिम 3 मिनट समय है और 24-43 का स्कोर है। दुगने पॉइंट से लीड कर रहा है। इधर भी 5 का डिफेंस है। 7 नंबर के जैसे के खिलाड़ियों के खिलाड़ियों के लिए रोहित गुड़िया बहुत देर बाद रेड पर आए। शायद राजनीति है थर्ड रन पर खेलने का। दो मिनट समय और डू और डाई रेड आ गया है। दूसरे भी आवाज दे दिया है। बहुत ही तगड़ा है यहाँ पर नितिन का एंकल होल्ड। इधर पर डुबा डायरेक्ट आ गया है दुकान के लिए। 4 का डिफेंस उधर भी है। बहुत ही फास्ट रेटर और रनिंग हैंड टच लगा दिया उन्होंने डुबा डायरेक्ट में। चौबीस और 45 का स्कोर। अंतिम 1 मिनट समय शेष। खिलाड़ी चले हैं रेड पर। अंतिम 1 मिनट है और स्कोर काफी बढ़ते हैं NER के पास। बोनस लिए और सुपर टैकल ऑन है। 9 रेड पर है। अरे ये मैच NER ने जीत लिया है। ये तीसरा मुकाबला था पहले दिन का।
और श्रीकांत इसके बाद सदस्य द्वारा